بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. My name is Ali Raza and welcome to Band Gravity. Dan editorial analysis series continue thi and today is 26th of October 2023. So ji, aaj ki dekhte hain kya hai isme. PDF link डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है न्यूज़पेपर का भी, टुडे न्यूज़पेपर का और इस लेक्चर का भी. एंड व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप हमको फॉलो कर सकते हैं. एनी क्वेश्चन एंड यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन. सो स्टार्ट करते हैं जी. फर्स्ट एडिटोरियल है डेडलाइन अप्रोचेस. डेडलाइन अप्रोचेस बेसिकली जो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इसकी समराइज कर दूं कि इसके अंदर बात क्या होने जा रही है. फैक्ट्स एंड फिगर्स तो जाहिर है बाद में एक्सप्लेन की बताए जाएंगे. इसमें बात होने ये जा रही है कि 31st of October जो है 2023, दैट इज द डेडलाइन. ठीक है, किस काम के लिए, कि जो भी अफगानी पाकिस्तान के अंदर स्टे किया हुआ है, जिन्होंने इलीगल तौर पर जो भी रह रहे हैं पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान को छोड़कर वापस अफगानिस्तान चले जाएं. अदरवाइज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उनको पकड़कर, जिस तरह दूसरी ममालिक करते हैं कि वापस जबरदस्ती उनके मुल्क भेजती है, तो वही काम पाकिस्तानी गवर्नमेंट करेगी. तो इन लोगों को 31st of October की डेडलाइन दे दी गई है कि इससे पहले पहले ये लोग वापस चले जाएं. और ये क्यों दी गई थी, ये जो रिसेंटली पीछे मैंने एडिटोरियल डिस्कस किया था उसके अंदर भी ये बात की गई थी और फुली यही बात की गई थी. मैं उसको जो मेन टॉप चीज है वो मैं आपको एडिटोरियल के अंदर बता दूंगा कि आकर हमें क्या जरूरत पड़ गई इस चीज की, वो भी मैं आपको बता दूंगा. सो लेट्स पहले स्टार्ट करते हैं जी. डेडलाइन अप्रोचेस. आज जी पहले स्टोरी की तरफ, व्हाट इज द स्टोरी, क्या है, और उसके बाद आगे क्या चीज होगी. स्टोरी यह है कि 31st October 2023 डेडलाइन है किन के लिए, इलीगल इमिग्रेंट्स टू एग्जिट द कंट्री, अनडॉक्यूमेंटेड फॉरनर टू लीव. वो लोग जो कंट्री हमारे मुल्क पाकिस्तान में इलीगली तौर पर रह रहे हैं, जिनके पास प्रॉपर वीजा नहीं है, जिनका पासपोर्ट नहीं बना हुआ और वो इन चीजों को बगैर रह रहे हैं, यानी कि आपने अगर सऊदी अरेबिया जाना है, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया उमरा करने के लिए, हज करने के लिए, या किसी भी दूसरी कंट्री में अगर एक पाकिस्तान ने जाना है, तो उसके पास एक वीजा होना चाहिए और उसका पासपोर्ट होना चाहिए और उसके बाद एक वैलिड वीजा होना चाहिए, फिर ही उसको एंटर होने दिया जाता है. तो ऐसे ही अगर पाकिस्तान के अंदर कोई भी शख्स, ख्वाब अफगानी है या किसी और स्टेट का है, अगर वो पाकिस्तान में बगैर वीजे के, बगैर पासपोर्ट के इलीगली रह रहा है, तो उसको 31st October तक उसकी डेडलाइन है. और इनमें ज्यादा जो है वो अफगानियों की बात हो रही है, क्योंकि ज्यादा पाकिस्तान में अफगानी ही रह रहे हैं, लेकिन कि वो चले जाएं मुल्क को छोड़कर, वरना फिर उनको अरेस्ट किया जाएगा. अब उनकी फिगर कितनी है जो रह रहे हैं, वो है तकरीबन 1.7 मिलियन, यानी कि तकरीबन 17,30,000 के करीब जो है वो बंदे हैं जी पाकिस्तान के अंदर अफगानी जो रह रहे हैं, 17,30,000. इनको ये डेडलाइन दी है कि आप लोग पाकिस्तान को छोड़कर चले गए. ठीक है, आगे वो कहता है कि इन लोगों को वैसे अगर देखा जाए तो 30 दिन से भी कम का टाइम दिया गया है, क्योंकि पिछले जब महीना शुरू होने वाला था अक्टूबर का, तब ही गवर्नमेंट ने अनाउंस किया और इनको सिर्फ तकरीबन 30 दिन का टाइम दिया गया. ठीक है, अब बात वही पे आ जाती है जो मैंने, कि आखिर ये फैसला किया क्यों गया, व्हाट इज द रीजन. तो कहता है डिसीजन वाज टेकन वेलफेयर एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री के लिए ये फैसला किया गया. वेलफेयर एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, इसके लिए ये फैसला किया गया. यहां पर मैं आपको एलैबोरेट कर देता हूँ पिछले एडिटोरियल की जो एक डाटा था फैक्ट से. हुआ ये इस तरह कि जब से ये 2023 ईयर शुरू हुआ है, पाकिस्तान के अंदर तकरीबन, मुझे याद तो एग्जैक्टली नहीं हो सकता, फिगर्स एक दो ऊपर नीचे हो जाएं, तकरीबन 14 जो थे ना वो टेररिस्ट अटैक हो चुके हैं, सुसाइड अटैक हुए हैं.
अब जब डाटे को एनालाइज किया गया कि इन 14 में से जो 11 बंदे थे ना जिन्होंने अटैक किया था वो अफगानी थे, ठीक है। अब इस वजह से जब ये है ना, तो जहर है जब अफगानी टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं या खुद कुछ बम्बारमेंट खुद कुछ हमले कर रहे हैं, तो इसलिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने अपने मुल्क की सिक्योरिटी के लिए फैसला किया कि ये जितने भी लोग इतने ज्यादा लोग पाकिस्तान में रह रहे हैं इनको वापस अफगानिस्तान भेज दो, ताकि पाकिस्तान के अंदर जो टेररिज्म है उसकी वेव को कंट्रोल किया जाए और पाकिस्तान को सेव किया जाए। ये थी जी मेन वजह जिसकी वजह से पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है। आगे वो कहता है कि मगर इसमें से देर आर मैनी, वो सिर्फ बहुत सारे ऐसे नहीं है कि जो सिर्फ इमिग्रेंट्स ही हैं बल्कि कुछ रिफ्यूजी भी हैं। अब यहां पर वो बेसिकली कहना, रिफ्यूजी उन लोगों को कहना चाह रहा है जो असल में 2021 की बाद आए हैं, यानी कि जब वहां पर तालिबान की गवर्नमेंट 15 अगस्त 2021 को तालिबान ने काबुल के ऊपर यानी कि काबुल को टेक ओवर किया, तो उसके बाद भी जो है अफगानिस्तान से बहुत से लोग जो है उन्होंने माइग्रेशन शुरू कर दी, निकलना शुरू कर दिया कि पता नहीं तालिबान अब हमारे साथ क्या करेंगे यहाँ पर। तो वो कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने आप को बचाने के लिए पाकिस्तान में शेल्टर लिया था, ठीक है ना। और इसलिए क्या है, सारे वो नहीं है जो पहले के आए हुए हैं, कुछ बाद में भी आए हैं जो 2021 के बाद में भी हैं। इसको वो क्यों कह रहा है वो मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फिर आगे वो कहता है कि कई दहाइयों से पाकिस्तान जो है इनको वेलकम कह रहा है। एक चीज आपको और बता दूं, दुनिया में माइग्रेशन हो रही है, लोग एक मुल्क से दूसरी जगह पे जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसने सबसे ज्यादा रिफ्यूजीज को नंबर वन पे आता है पाकिस्तान, जगह दी है रहने के लिए, और इनमें ज्यादातर अफगानी हैं। और ये अब से नहीं है, ये पिछली कई दहाइयों से 1979 जब रशियन जो रेवोल्यूशन आया यानी कि रशियंस ने अटैक किया तब से पाकिस्तान, फिर तालिबान जब आए तब से, फिर 9/11 हुआ तब भी, फिर 2021 तब भी, तो कई दहाइयों से पाकिस्तान में ये हिजरत करके अफगानी आ रहे हैं। और इन अफगानियों को पाकिस्तान सिर्फ एज वी आर मुस्लिम्स इस बेस के ऊपर क्या दे देता है, जगह देता है रहने के लिए। और अब तो यहाँ पर कई ऐसे अफगानी हैं जिनके कंप्यूटराइज नेशनल आइडेंटिटी कार्ड बन चुके हैं, वो यहाँ पर दादे नाने बन चुके हैं, दादियां बन चुकी है, दादी बन गई है, नानी बन गई है, यहाँ पर उनके बच्चे रह रहे हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारी यानी कि पिछले तकरीबन 40 साल से पाकिस्तान में ये लोग आ रहे हैं। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान किस तरह से यानी कि इन लोगों को सपोर्ट करता रहा है शुरू से, ठीक है, यही उसने बात किया। फिर आगे वो क्या बात करता है कि एक अफगानी क्रिकेटर है जिसको मैन ऑफ द मैच का जो है अवार्ड मिला, तो उसने वो अवार्ड डेडिकेट कर दिया रिटर्निंग जो लोग आ रहे हैं उनको। ये तो एक बात से उन्होंने इसमें ऐड किया, तो मैंने भी कहा मैं ऐड कर दूं। अब यहाँ पर वो आगे बात क्या कहता है, कहता है कि पाकिस्तान को ना अब एक सिस्टम की जरूरत है इंस्टॉल करने की, जिसमें वो सेपरेट कर सके उन लोगों को, इंडिविजुअल को और ऑर्डरली पीपल्स को, यानी कि जो बेचारे 2021 के बाद अपनी जान बचा कर आए हैं, भाग कर आए हैं उनको, और जो पहले से आकर यहाँ पर बैठे हुए हैं उनको, इन दोनों को अलग अलग करें, ठीक है। क्योंकि ग्लोबली पाकिस्तान के जो एक्शंस हैं, ये जो काम है, इसको ऑब्जर्व किया जा रहा है। और फिर आगे यहाँ पर वो बड़ी एक अच्छी बात करता है, कहता है कि यार पाकिस्तान की जो अकेले की ये जिम्मेदारी नहीं है कि इन लोगों को जो है इनकी सेटिंग करे, इनको यहाँ पर रखे, क्योंकि हमारी तो अपनी आबादी जो है 25 करोड़ से अब होती जा रही है, और हमारे अपने रिसोर्सेज इतने नहीं है कि हम इन लोगों को देखभाल कर सकें। तो ये पाकिस्तान की अकेले की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि जो इंटरनेशनल अटेंशन मिली नहीं रही बिल्कुल भी पाकिस्तान को, बिल्कुल जो ग्लोबली इंटरनेशनली जो है वो सपोर्ट ही नहीं मिल रही इस मामले में। और सादा अल्फाज में कहूँ तो गंद डाल के चले जाते हैं, बाद में साफ कहते हैं पाकिस्तान को तुम करो, ठीक है, कि अब ये हुआ क्या, अब 2021 क्या है, ये 9/11 क्या है, 9/11 के बाद अमेरिका आया, अमेरिका ने आकर अफगानिस्तान के अंदर बम्बारमेंट शुरू की, लोगों ने वहां से हिजरत की, पाकिस्तान आ गए। अब जब तालिबान आए हैं, तो तालिबान जब आए हैं तो उसके बाद अमेरिका वालों अपने जहाज में बैठे और अपने मुल्क वापस चले गए, और ये बेचारे जो हैं ये माइग्रेशन करके यहाँ पे पाकिस्तान आ गए। तो इंटरनेशनली क्या गेम है वो खेलते हैं, लड़ाइयां वो करते हैं, जंगें वो करते हैं, और जब इस तरह के मामला होते हैं तो इनको पीछे छोड़ जाते हैं हमारे लिए। और भी इसकी बड़ी वजूहत है, हम भी डॉलर्स ले लेते हैं और कहते हैं ठीक है,
खामियां हम में भी हैं, अकेला उनमें भी नहीं है। लेकिन ये बातें फिर टॉपिक से हट जाएंगी, बहुत लंबी हो जाएंगी। सो मैं कोशिश करता हूँ कि सिर्फ एडिटोरियल्स के फैक्ट्स एंड फिगर्स पर रहूँ, जितना उसने बताया है उतना ही किया जाए। तो बहरहाल पाकिस्तान कहता है कि जो इंटरनेशनल अटेंशन है, इंटरनेशनल अटेंशन से मुराद है यूएसए और वेस्टर्न कंट्री जो अफगानिस्तान में जंग लड़ती रही है, उनकी बिल्कुल भी अटेंशन नहीं है। हालांकि जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक 3000 वो वाला बंदा है यहाँ रिफ्यूजीज में बैठा हुआ है जिसने कोलेशन ट्रूप्स, कोलेशन से मुराद है क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर अकेला यूएसए जंग नहीं लड़ रहा था बल्कि नेटो फोर्सेज लड़ रही थी जंग, दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज की भी जो फोर्सेज हैं वो शामिल थी साथ में, ठीक है। तो 3000 वो वाला अफगानी भी इसमें शामिल है जिन्होंने इन लोगों की मदद की थी, इन फौजियों की मदद की थी, इन फौजियों को वहां पर उन्होंने मुख्तलिफ किस्म की हेल्प की थी, तो वो भी इनमें मौजूद है। और वो डर कर यहाँ पर अफगानिस्तान में आ गया था, क्यों? क्योंकि उसको पता था तालिबान जो है हमें मार देंगे क्योंकि हमने अमेरिका वालों की हेल्प की थी। तो अमेरिका वालों ने उनसे, वेस्टर्न ने उनको उस वक्त ये कहा कि इनको आप यहाँ पर रख लें, हम इनको बाद में क्या करेंगे अपने वेस्टर्न कंट्रीज में सेटल कर देंगे, लेकिन कहकर चले गए। उसके बाद वो वापस ही नहीं आए, 2 साल हो गए हैं और पाकिस्तान उनका बोझ उठाकर बैठा हुआ है। तो अब जो रिपोर्ट आ रही है, तो अब रिपोर्ट ये आ रही है कि इन 3000 बंदों को जो है रीलोकेट कर दिया जाएगा यूके के अंदर, इस हफ्ते यूके में उनको कहीं ना कहीं जगह दे दी जाएगी। कौन से 3000? जिन्होंने मदद की थी अमेरिका वालों की। अब वेस्ट जो है वो पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डाली जा रहा है कि ये एक इंसानी ड्यूटी है, मॉरल ड्यूटी है, अखलाकी ड्यूटी है तुम्हारी कि तुम इन लोगों को वापस ना भेजो, वरना वहां पे हालात बहुत खराब है, वहां पर जलजला आया हुआ है, पहले तबाही मची हुई है, गुर्बत है, वायलेंस है, तो आप इनको वापस ना भेजें। लेकिन इसके साथ साथ एक और भी चीज सामने फिर आ रही है कि ये लोग कौन है, ये 2021 की विथड्रॉ किए हुए हैं, यानी कि ये वो लोग हैं जो अमेरिका की जो 9/11 के इंसिडेंट के बाद जो अमेरिका ने वार लड़ी ये उसका रिजल्ट हमारे पास से बैठा हुआ है। तो ये हमारे अकेले की ड्यूटी नहीं है, आप लोगों की भी मॉरल ड्यूटी है कि आप इन लोगों को रीलोकेट करें कहीं ना कहीं। अगर रीलोकेट नहीं कर सकते तो इनके खाने पीने, इनके रिसोर्सेज के लिए पाकिस्तान को कुछ फंड्स दें जो पाकिस्तान चाहता है असल में, ठीक हो गया। और ये इसी वजह से हम लोग जो है ना जलील हो रहे हैं। अच्छा जी, अब करना क्या है चाहिए पाकिस्तान को इनके बारे में? ये तो चलो एक स्टोरी मैंने आपको सारी बता दी। अब कुछ वो ना एडिटोरियल वाला बनते तो कोई नहीं है, लेकिन वो तो की क्या कर रहा है, कुछ ना कुछ आपको वो दे देता है कि यार ये करना चाहिए, ठीक है। कहता है जी डेडलाइन बढ़ा दो, ठीक है, डेडलाइन को थोड़ा सा आगे कर दो ताकि लोग आसानी से चले जाए, ठीक है। उसके बाद वो दूसरे नंबर पर कहता है जी वेस्टर्न कंट्रीज जो है ना उन्होंने जो प्रोमिस किए हुए हैं ना कि हम इन लोगों को रीलोकेट कर देंगे दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर अमेरिका, तो उनकी जो काम है ना स्कीमें जो है उनको चाहिए कि वो उसको तेज करें जो उन्होंने करनी कोई नहीं है। तो पाकिस्तान को आगे क्या करना चाहिए, पाकिस्तान मस्ट कंसीडर इंटीग्रेटेड रिफ्यूजीज इनटू आवर। अब ये देखे ना बेशक एडिटोरियल वाला है मैं, लेकिन क्या है कि बातें वही करते हैं वो, गोंगरुओं से मिट्टी ये लोग झाड़ते हैं, सच्ची सी बात कोई भी नहीं करता, ठीक है। अब यहाँ पे देखें वो कह रहा है कि पाकिस्तान मस्ट कंसीडर इंटीग्रेटेड रिफ्यूजीज इनटू आवर सोशल इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, गिविंग देम एक्सेस टू एजुकेशन एंड अपॉर्चुनिटीज टू इंश्योर देयर राइट्स टू एंड प्रोटेक्ट। ये जी कह रहा है कि उनको पाकिस्तान के अंदर ही, यानी कि पाकिस्तान का जो है ना इंटीग्रेट कर लें, उसके अंदर ही उसको डाल डूल लें जब तक उनका हल नहीं होता, उनको इकोनॉमिकली सोशल इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के अंदर डाल लें, उनको एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज दें, उनको राइट्स और उनको प्रोटेक्ट करें। अब पूछने वाला इनसे ये पूछे कि आप जो आपके अपने सिटीजन्स हैं, ठीक है, उनका आप लोग क्या हाल कर रहे हैं जी, क्या उनको आप एजुकेशन दे रहे हैं, प्राइवेटाइज कर रहे हैं स्कूलों को आप लोग, तो उनके राइट्स को आपने प्रोटेक्ट किया हुआ है? आपकी जो जुडिशरी है क्या कर रही है, मिसिंग पर्सन जनाब, मिसिंग पर्सन आपके जो बंदा थोड़ी सी बात कर देता है मैरिड की उसको उठा कर ले जाते हैं, उनको नहीं मिल रहा तो इनको कहां से आप लोगों ने देना है। हाँ लिखने में अच्छा है, लिखते रहो भाई, किसने रोका है, ठीक है। तो ये हमारा डॉन न्यूज़पेपर इसको लिख रहा है, लेकिन ठीक है आप लोग बच्चे हैं कंपेरेटिव एग्जाम्स के, तो आप लोगों ने भी क्या करना है, यही लिखना है क्योंकि पेपर में यही लिखते हैं, इसी के नंबर मिलते हैं। आ जाए ये आपको मैंने पिछला एडिटोरियल एक्सप्लेन कर दिया। अब दूसरा है गैस का चैलेंज, व्हाट इज गैस चैलेंज। इसमें वो बेसिकली इस एडिटोरियल के अंदर एक्सप्लेन करेगा गैस की जो प्राइस है ना वो बढ़ेगी, यानी कि उन्होंने एक प्लान किया है
ठीक है, रिफॉर्म किया 345 बिलियन रुपीस जो है ना उन्होंने कहा जी हमने ओवर इकट्ठा करना है, ठीक है, एक्स्ट्रा इकट्ठा करना है इतना पैसा। ये कहाँ हो, कैसे होगा, गैस की कीमत बढ़ाते हैं जी। अब गैस की कीमत बढ़ाने से क्या होगा, फायदे भी हैं, ठीक है, कुछ जो है फायदा मिलेगा और कुछ नुकसान। फायदा किन को मिलेगा, फायदा मिलेगा गवर्नमेंट को मिलेगा अल्टीमेटली, ठीक है, और नुकसान किसको होगा, पब्लिक को होगा, सादी सी बात है। कैसे होगा, कितना होगा, वो शेयर ब्रोकर के अंदर डिस्कस किया गया, तो चलें देखते हैं जी। गैस शेयरिज कहता रिफॉर्म्स अप्रूव्ड, गवर्नमेंट ने रिफॉर्म्स बनाई अप्रूव कर ली हैं कि 345 बिलियन जो कंज्यूमर है इस्तेमाल करने वाले हैं उनसे लो जी, उनसे रिकवर करो। कैसे रिकवर करो, जहर है उनको बिल भेजो, कीमत बढ़ा दी है तो जब कीमत बढ़ेगी तो लोग पे करेंगे, और गवर्नमेंट जो है जहां पे अगर 10 रुपए कीमत थी वहां पे 15 रुपए कर दो, एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि 345 बिलियन रुपीज इकट्ठे होंगे। अब इन पैसों से क्या होने वाला है जी, क्या फायदा होगा। अब डॉन वाला कहता है ये बड़ा अच्छा स्टेप है जी, बड़ा प्यारा स्टेप है, बड़े राइट डायरेक्शन में लिया गया है जी, बहुत स्टेप अच्छा है। कैसे स्टेप अच्छा है, 1 2 3 4 चार चीजें फिर वो बताता है जी कैसे ये स्टेप अच्छा है। नंबर वन जी, IMF से हमने लोन लेना था शॉर्ट टर्म के, हमने तो वहां पर एक गोल सेट किया था IMF ने कि आप लोगों ने इस चीज के ऊपर फोकस करना है 7 साल बाद में, कि ये आप लोगों ने ये वाली कीमत जो है ये बढ़ा देनी है। तो हमने बढ़ा दी है, तो हमने IMF की डिमांड पूरी कर दी है, तो अब हमको क्या मिल जाएगा, लोन मिल जाएगा, नंबर वन। नंबर टू जी, इससे जो सर्कुलर डेप्थ है, सर्कुलर डेप्थ जो कंपनियों का है वो कम हो जाएगा, जो कि पहले 2.1 ट्रिलियन है। सर्कुलर डेप्थ बेसिकली सादा सा ये होता है कि ये मैं आपको समझा देता हूँ, ये बड़ी दफा आपने सुना होगा, ये कंपनी है जी, गैस की है, ये बिजली की है, ठीक है, ये गवर्नमेंट है, ये कंज्यूमर है, ठीक है, ये गवर्नमेंट, ये कंज्यूमर, आम लोग पीपल, गवर्नमेंट इनसे खरीदती है जी, खरीदेगी, ठीक है, 100 यूनिट खरीद लिया, मिसाल देता हूँ, आगे गवर्नमेंट ने बेच दिया लोगों को 100 यूनिट, 100 यूनिट गवर्नमेंट ने बेचा, 20 चोरी हो गए, ठीक है, 20 क्या हो गए, चोरी हो गए, पीछे के रह गए 80, 10 जो है लाइनें खराब है उसमें खत्म हो गया, पीछे के रह गए 70। तो गवर्नमेंट ने पीछे 100 के यूनिट के पैसे देने हैं और आगे से गवर्नमेंट को कितने, 70 यूनिट के पैसे मिलेंगे, ठीक है। अब 70 यूनिट के पैसे मिलेंगे तो 30 यूनिट के पैसे कहाँ गए। अब ये जो 30 यूनिट के पैसे हैं ना, ये गवर्नमेंट का समझ लें सर्कुलर डेप्ट बढ़ता जा रहा है, इसको कहते हैं सर्कुलर डेप्ट, कि ये 30 यूनिट के पैसे फिर गवर्नमेंट पीछे नहीं दे सकेगी, कि 70 के इकट्ठे करेगी, 70 के दे देगी, 30 के पीछे रह जाएंगे, वो सर्कुलर डेप्ट बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, ठीक है। और इसकी वजूहत बहुत ज्यादा है, चोरी हो जाती है जी, बिजली भी गैस भी, ठीक है, फिर आप सब्सिडी दे देती है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो अपना लैंडलॉर्ड्स हैं, वो बड़ा कुछ है सर, मैं उधर नहीं जाता, छोड़ें। स्लो डाउन द ग्रोथ ऑफ इन सर्कुलर डेप्ट विच रीच ओवर, सर्कुलर डेप्ट कितना हो गया जी, 2.1 ट्रिलियन। तो जब ये पैसा आएगा तो ये फिर सर्कुलर डेप्ट भी कम हो जाएगा, कुछ ऐसे हम इधर भी डाल देंगे। आगे डिस्करेज द इनएफिशियंट यूज ऑफ फ्यूल, जो हम गैस को बेदर्दी से इस्तेमाल करते हैं, जाया करते हैं, तो जब महंगी होगी तो लोग उसको एहतियात से इस्तेमाल करेंगे। इंसेंटिव फॉर एक्सप्लोरेशन कंपनीज, वो कंपनियां जो गैस की समझ लें कि गैस निकालने की कोशिश कर रही है, नई नई एक्सपेरिमेंट कर रही है, गैस को डिस्कवरी ऑफ गैस कर रही है, ठीक है ना, उनके लिए ये इंसेंटिव का काम करेगा, उनको पैसे मिलेंगे, और जगह पर वो एक्सपेरिमेंट करेंगे और ज्यादा गैस निकलेगी, या जो गैस निकाल रहे हैं पहले ऑलरेडी वो अपनी एफिशिएंसी को बेहतर कर लेंगे। तो इन चार चीजों में ये जो पैसे हैं फायदेमंद है। अब जी फायदेमंद हो गया, अब पब्लिक पर्सपेक्टिव में नुकसान ही नुकसान है जी, ठीक है। प्राइस कितनी बढ़ाई है, 193%, अगर पहले 100 रुपए का यूनिट था तो अब कितने का होगा जी, 293 का, ठीक हो गया जी, इतना यानी के इतनी प्राइस बढ़ा दी है, कहते जी 193% जो है वो इंक्रीज कर दी है। अब इससे क्या होगा, महंगाई होगी और क्या होना है, लोगों को जो है और महंगी ये चीजें मिलेंगी, तो लोग तो पहले ही बड़ी मुश्किल से जो है अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, तो उनके ऊपर और प्रेशर बन जाएगा। दूसरी तरफ वो बात करता है यहाँ पर रिच टेक्सटाइल्स की, आम बंदे जो है उसको ये नुकसान बढ़ गया, और जो रिच टेक्सटाइल है वो कहता है वो क्या हो गया, वो सिक्योर कर लेते हैं यूजुअली डिस्काउंट सब्सिडाइज गैस फॉर देयर इनएफिशिएंट एंड वेस्टफुल रिवाइवल प्रोजेक्ट्स। जो रिच है ना उनको क्या मिल जाती है, सब्सिडीज मिल जाती हैं, तो वो
धक्के से भी ले लेते हैं गवर्नमेंट से नए नए तरीकों के साथ ना, डिस्काउंट ले लेते हैं, सब्सिडी ले लेते हैं कि हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, हालांकि उनके जो पावर प्लांट्स हैं वो बड़े ही फजूल किस्म के हैं, उनकी एफिशिएंसी बड़ी ही खराब है, लेकिन इसके बावजूद वो ले लेते हैं और वो लेंगे भी। और यहाँ पर और क्या कहता है, कहता है 2021 में एक फैसला किया गया था कि जो जो इनकी सप्लाई बंद करते हैं, जिनके यूनिट जो है ना बड़े खराब है, इनके एफिशियंट नहीं है, और इनको डिवर्ट किया जाए एफिशियंट जनरेटर्स, यानी कि वो वाले जनरेटर्स, वो वाले यूनिट्स जो जिनकी पैदावार अच्छी है, सिर्फ उनको ही गैस दी जाए, बेशक वो कपड़ा बनाने वाला या कोई भी है, उसकी जो अच्छी प्रोडक्शन वाले यूनिट्स लगाए हुए हैं जिसने लेटेस्ट मॉडल के, सिर्फ उनको ही गैस दी जाए, दूसरों को कट ऑफ कर दी जाए। लेकिन इसके बावजूद वो कहता है, इस पॉलिसी के बनाने के बावजूद जो अभी कैबिनेट बैठी हुई है केयर टेकर, उसने वायलेट कर दिया इस मिनिस्ट्री को, और वेल्थ इंडस्ट्रीज को जो है, अमीर इंडस्ट्रीज को जो सब्सिडी देने की तजवीज थी उसको क्या किया है, वायलेट कर दिया है, और इनको सब्सिडीज मिलेगी। और इससे समझ आती है कि जो अलीगढ़ क्लास है कितनी पावरफुल है, वो केयर टेकर पर अपना गवर्नमेंट हो या कोई और गवर्नमेंट हो, वो पुलिसीज को भी रिफॉर्म करवा लेती है अपने हक में। आगे वो कहता है कि सिर्फ यही नहीं कि गैस की अफोर्डेबिलिटी है, गैस महंगी है या नहीं है, बल्कि के जो रेजिडेंशियल कंज्यूमर्स हैं उनके लिए एक और भी मसला है। सिर्फ यही नहीं है कि गैस महंगी होगी है तो क्या वो अफोर्ड कर सकेंगे या नहीं, बल्कि एक और भी मसला है आम लोगों के लिए। वो मसला क्या है जी, महंगाई के अलावा गैस तो आती नहीं है जी, शॉर्टेज इतनी ज्यादा है गैस की, तो उससे क्या होता है, कट हो जाती है सप्लाई। कब, जब खाना वगैरह पका रहे होते हैं आप विंटर के अंदर, तो ये एक बड़ा ही प्रॉब्लम है लोगों के लिए। एक प्रॉब्लम तो ये है कि आपने महंगाई कर दी, गैस महंगी कर दी, लेकिन तो दूसरा बड़ा प्रॉब्लम है वो है गैस आती नहीं है, शॉर्टेज इतनी ज्यादा है, और लोगों के लिए वो भी है प्रॉब्लम है। आगे वो कहता है कि गवर्नमेंट ने अभी तक कोई प्लान फाइनलाइज नहीं किया, ठीक है ना, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया एडिशनल एलएनजी जो सप्लाई है मंगवाने का अगले महीनों के लिए डिमांड के मुताबिक, ठीक है, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। और मिनिस्टर साहब ने तो ये भी कह दिया है कि अगर हमारा हो भी जाता है ना, तो इसके बावजूद भी जो अगर कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो इसके बावजूद भी हम जो है ना शॉर्टेज पूरी नहीं कर सकेंगे, इतनी ज्यादा शॉर्टेज है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, और ज्यादा एडिशनल कार्गो मंगाने पड़ेंगे, फिर जाकर हम क्या कर सकेंगे, जो हमारी शॉर्टेज है उसको हम पूरा कर सकेंगे। फिर एंड में वो कहता है कि पाकिस्तान को बजाय एक्सपेंसिव एक्सपोर्ट करने के ना, जो बाहर मुल्कों से है, फोकस करना चाहिए कि बजाय इसके कि वो बाहर से एक्सपेंसिव गैस मंगवाए, उसको फोकस करना चाहिए कि डोमेस्टिक डिस्कवरीज करे, क्योंकि अपने जो लोकल हमारे इलाके हैं जैसे सिब्बी में गैस है, तो यहाँ पर एक डोमेस्टिक डिस्कवरीज की जाए, ताकि हम जो है गैस हमारी कम से कम हमको बाहर से मंगवानी पड़े। तो सर ये था जी बच्चों इसमें गैस वाले में, कि किस तरह से गैस जो है वो पावर सेक्टर जो है किस तरह से डिस्टर्ब हो रहा है, और किस तरह से आम इंसान की जिंदगी को डिस्टर्ब कर रहा है, और अलीट क्लास किस तरह से उससे फायदा हासिल कर रही है। नो प्रोग्रेस जी, थर्ड एडिटोरियल है नो प्रोग्रेस। नो प्रोग्रेस बेसिकली क्या है जी, इसका क्रक्स ये है कि एक साल पहले 2022 अगस्त के अंदर ये अरशद शरीफ जो था जर्नलिस्ट, आपको पता है उसको कीनिया में उसका मर्डर कर दिया गया, और उस बेचारे का केस लगा हुआ है, और उसका कोई फैसला नहीं हो सका, उसकी बीवी को बच्चों को कोई इंसाफ नहीं मिल सका, तो इसके ऊपर है। होता क्या है, पहले स्टोरी में बता देता हूँ। 2022 में अगस्त में अरशद शरीफ जर्नलिस्ट है पाकिस्तान का, उसको कीनिया में साउथ ऑफ नैरोबी वहां पर उसका क्या कर देते हैं, कीनिया पुलिस जो है उसका मर्डर कर देती है, ठीक है, और बाद में क्या देती है कि हमने वजह क्या बताती है, मिस्टेकनली आइडेंटिफाइड, यानी कि आइडेंटिफाई करने में गलती हुई है, शनाख्त करने में गलती हुई है, हमको कोई मैसेज मिला था तो हमने उस मैसेज के मुताबिक कार्रवाई की और इस वजह से इसका मर्डर हो गया, लेकिन बाद में पता चला कि ये वो बंदा नहीं है, ये स्टोरी बताई, ठीक है जी। अब पावरफुल एक्टर्स जो है कीनिया के अंदर और पाकिस्तान के अंदर वो चाहते ही नहीं है। पावरफुल एक्टर से क्या मुराद है आपको भी पता है, बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, हर वो जिसको इस बंदे से कोई नुकसान पहुंचने वाला था वही इसके अंदर पावरफुल एक्टर है, ठीक है। तो पावरफुल एक्टर्स कीनिया के अंदर और पाकिस्तान के अंदर क्या है, इन्वॉल्व हैं इसके अंदर, और वो चाहते ही नहीं है कि इस केस का कोई फैसला हो सके। आगे कहता है कि रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स,
ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसका नाम है रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स। वो बताती है कि दोनों मुल्क जो है ना वो अनकोऑपरेटिव है और इन इंगेजिंग इन डुप्लीसिटी, के दोनों के दोनों मुल्क ही जो है ना फजूल किस्म के हैं, ये कोई अनकोऑपरेट ही नहीं कर रहे, कोऑपरेट नहीं कर रहे कोई, यानी कि जो एक जुडिशियल प्रोसीडिंग है उसके अंदर ये कोऑपरेट ही नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि फैसला किसी तरफ लगने ही नहीं दे रहे। ठीक है, अब होता क्या है जी, 2022 अगस्त को इस अरशद शरीफ के खिलाफ पाकिस्तान के अंदर केस रजिस्टर होते हैं। क्यों? क्योंकि इसने क्रिटिसाइज किया था पीडीएम गवर्नमेंट को और एस्टेब्लिशमेंट को, मतलब कि मिलिट्री को क्या नहीं, या पाकिस्तान के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उनको क्रिटिसाइज किया। उसके बाद जब क्रिटिसाइज किया, एफआईआर दर्ज हो गई, तो इनको अपने जान का थ्रेट भी था, तो ये यूएई चले गए। यूएई से ये इन्होंने मूव किया, इनका यूएई में जो वीजा था वो एक्सपायर होने वाला था, तो ये कीनिया चले गए और ये वहां पर इनका मर्डर हुआ था। ठीक है, और इनका जो केस है स्टिल अंडर प्रोसेस है, ठीक हो गया। अब लैक ऑफ इंटरेस्ट है बाय बोथ स्टेट, दोनों स्टेट्स कोई कोऑपरेशन नहीं कर रही, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सुओ मोटो नोटिस भी लिया था इस केस के ऊपर, और अब वो कहता है कि टाइम है कि ये जो है रिकॉल करे, रिमाइंड करवाए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस केस के बारे में जो लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। ये एडिटोरियल वाले ने इसके अंदर नो प्रोग्रेस के अंदर लिखा है। अब इसके अंदर अगर मैं रियलिटी में बात करूं, तो अरशद शरीफ की जब पोस्टमार्टम किया गया तो उसके अंदर काफी इंजरीज जो थी मर्डर के अलावा भी थी, यानी कि अगर मैं कहूं तो उसकी प्रॉपर टारगेट किलिंग की गई, जो कि सच है। हाँ, मेजोरिटी इज अथॉरिटी होती है, जो सारा लोग कहते हैं वही माना जाता है, तो टारगेट किलिंग ही उसकी की गई थी। क्यों की गई थी? क्योंकि उसके पास कुछ ऐसा था जो कि पावर सेक्टर, जो पावरफुल है, लीड है पाकिस्तान के अंदर, उनकी पावर को धचका लगने वाला था, तो उसकी टारगेट किलिंग प्रॉपरली की गई। ठीक हो गया, और उसके बाद जो है अब उसकी वाइफ जो विडो है उनकी, उनको भी तंग किया जाता है, उनके ऊपर भी मुख्तलिफ किस्म के इल्जाम लगाए जाते हैं और फैसला उनका नहीं हो रहा, इंसाफ उनको नहीं मिलता। तो यहां से आप हिसाब लगा लें कि जस्टिस सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, जस्टिस सिस्टम पाकिस्तान का कहां पे खड़ा है, वेयर इट इज स्टैंडिंग। ठीक है, और बात पीछे कर रहे थे जी अफगानियों को दें, जी अपनों को तो पहले कुछ दे दो, अपनों को तो आप लोग दे ही नहीं सकते। तो यही था जी आज के लिए। चीजें असल में होती हैं, एक होती है बुकिश, ये एडिटोरियल, ये चीजें ये हैं बुकिश, और एक होती है रियलिटी। रियलिटी आपको तब समझ आती है जब आपका एक वास्ट नॉलेज हो जाता है, आप चीजों पिक्चर के दोनों साइडें देखने की आपको आदत पड़ जाती है। अभी जब आप इनिशियल स्टेज पे होते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम शुरू करते हैं तैयारी, तो आपको सिर्फ ये हैव अ गुड डे लिखा हुआ ना, बस यही आपको नजर आएगा। इसकी बैक साइड पे क्या है यू कैन नॉट सी, लेकिन टाइम के साथ जब आपकी रीडिंग हो जाती है, आपके आइडियाज जो है वो मेच्योर हो जाते हैं, तो इसकी बैक साइड पे क्या है, इन लफ्जों के बिटवीन द लाइन क्या है, पीछे क्या है, आप वो भी देख लेते हैं। तो जब आप वो देख लेते हैं तो आपके आइडियाज मेच्योर हो जाते हैं, और ऐसे बंदों को पाकिस्तान में तो बिल्कुल भी पसंद नहीं किया जाता, एंड अरशद शरीफ इज वन ऑफ देम। सो आज के लिए यही था। सब्सक्राइब करें जी, शेयर करें, कमेंट करें इफ यू लाइक इट। सो थैंक यू वेरी मच।